अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शो टीवी। आज हम बात करेंगे एक बड़े इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टॉपिक पे, विच इज़ रशिया वर्सेज यूक्रेन। अगर इस टॉपिक की हम इनसाइट्स पे बात करें तो हम सबको पता है कि जो यूक्रेन था वो पहले रशिया का हिस्सा था, विच वॉज द सोवियत यूनियन। नाउ द इशू विद रशिया वॉज दैट रशिया आधा यूरोप में है एंड आधा एशिया में। तो जब सोवियत का कलेप्स हुआ तो काफ़ी जो उसके कंट्रीज थे वो यूरोप का पार्ट हो गए। जो यूक्रेन था वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना चाहता था और रशिया ये नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस इस रीजन में आए, बिकॉज रशिया इज़ अ कम्युनिस्टिक स्टेट और वो इन कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज के खिलाफ है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्टैंड से। अच्छा, अगर अब हम पाकिस्तान का देखें तो हमने अमेरिका के साथ बड़े अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज देखे, जनरल प्रवेश मुशरफ के दौर में हो गया, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में, एंड अभी भी इमरान खान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े अच्छे टाइज बनाए थे। बट एट द सेम टाइम रशिया एंड चाइना, इन दोनों की शुरू से बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, बिकॉज बोथ ऑफ देम वर एंटी यूएस। और सिंस पाकिस्तान इज मोर लीन टूवर्ड्स चाइना, हमारा स्टैंड भी ज़्यादा रशिया के फेवर में नज़र आ रहा है। अब अगर हम अपने रशिया के साथ टाइज की बात करें तो रिसेंटली रशिया पाकिस्तान में एक ऑयल पाइपलाइन लगाने की बात कर रहा है, विच इज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक बफ टू दी इकॉनमी ऑफ द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान वगैरह। अच्छा, अब हम अपनी नॉर्दर्न एरियाज की इकॉनमी के बाद हम बात करते हैं द बिगेस्ट प्रोजेक्ट विच इज़ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें रशिया एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडिया रिसेंटली, अब आप देखें तो वो अमेरिकन लॉबी की तरफ जा रहा है, वेरस पाकिस्तान का जो ज़्यादा टर्नओवर है वो अब रशियन लॉबी की तरफ हो रहा है। रिसेंटली इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना गए हैं और अब वो रशिया जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये नज़र आ रहा है पाकिस्तान इज़ टिल्टिंग टूवर्ड्स रशिया। अब हमारे लिए बेहतर क्या है? अब आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू रशिया हमेशा से एक्सिस फोर्सेज में रहा है। एक्सिस फोर्सेज में देयर यूज्ड टू बी रशिया, जर्मनी, टर्की इन वर्ल्ड वॉर वन, और वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी, रशिया और आपका इटली होता था मुसोलिनी के अंदर, एंड जापान एज वेल। तो ये हमारी एलाइड एक्सिस फोर्सेज दो साइड्स थी। हमारी जो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, वी वर इन दी एलाइड फोर्सेज, बिकॉज यहाँ पे ब्रिटिश रूल था, तो हमने ब्रिटेन को ही सपोर्ट किया, हमारे सोल्जर्स ब्रिटेन की तरफ से लड़े। बट इन केस ऑफ अ वॉर, वॉट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान? अब बात करते हैं दैट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर पाकिस्तान। देखिए, जो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ टू रिमेन न्यूट्रल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, पाकिस्तान की कोई इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं जा रही, वी आर नॉट ए बूमिंग कंट्री, हमारी इस वक्त इकॉनमी डेप्रिशिएट कर रही है, हमारा डॉलर का रेट बढ़ रहा है, एंड हम जो भी डिफेंस की चीज़ इम्पोर्ट करते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेड इन डॉलर्स। तो जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ रहा है, हमें ये डिफेंस की चीज़ें उतनी एक्सपेंसिव पड़ेंगी। एंड अगर हम अपनी इंटरनल इकॉनमी का देखें, अभी गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ पे स्पेंड नहीं कर सकती, वो सोशल वेलफेयर स्पेंड नहीं कर पा रही, बिकॉज हमें IMF को लोन रीपे करने हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त अ लॉन्ग लास्टिंग वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इस वक्त बैक फ्रंट करें, बिकॉज अगर हम इस वॉर में इंगेज होते हैं तो इंडिया इज़ ऑलवेज रेडी टू स्ट्राइक ऑन अस, एंड हम इस वक्त एक इकोनॉमिक वॉर इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। बट लेट्स जस्ट से दैट हमें एक साइड लेनी पड़ जाए, तो देन दैट मेरे हिसाब से एंड द डाटा दैट वी आर स्टडिंग इज के पाकिस्तान को रशिया के साथ जाना चाहिए। द रीज़न फॉर दैट इज़ वेरी सिंपल, कि हमारा रशिया, चाइना का, ईरान एंड टर्की, वी आर फॉर्मिंग अ ब्लॉक जिसमें ईरान एंड रशिया सप्लाइंग अस विद रॉ रिसोर्सेज, रशिया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और चाइना रोड बना रहे हैं। तो पाकिस्तान और हम इनके साथ बहुत जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है, हमारे इनके यहाँ दौरे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान जब बीजिंग से रशिया गए तो उन्होंने इस मैटर को डिस्कस किया है। तो पाकिस्तान के लिए रशियन कैंप वुड बी अ बेटर सोल्यूशन देन गोइंग फॉर द अमेरिकन कैंप। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपकी राय क्या है, प्लीज़ डू टेल योर ओपिनियंस इन द कमेंट। डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।